250 पेशेंट का चल रहा ट्रीटमेंट, सीएमओ रिकॉर्ड में सिर्फ 25 को डेंगू, इसे 60 घाट कहें या हेल्थ डिपार्टमेंट की हिला हवाली, डेंगू का डंक भी कोरोना संक्रमण की राह पर है। रैपिड किट के मामले में डेंगू के अधिक हैं, जबकि सीएमओ रिकॉर्ड में केस बहुत कम है। सीएमओ रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 25 पेशेंट में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, इनमें 15 केस सिटी के हैं जबकि 10 दूसरे जिले से आए हैं। सीएमओ ऑफिस की माने तो प्राइवेट पैथोलॉजी में रैपिड किट से जांच करवा कर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाले करीब 250 पेशेंट हैं। इनकी जानकारी उन्हें संबंधित पैथोलॉजी से नहीं मिली है। हैरान करने वाली बात यह है कि डेंगू के उन्हीं मरीजों की पुष्टि मलेरिया विभाग कर पा रहा है जो सरकारी अस्पतालों में रैपिड टेस्ट एवं इलाइजा जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। लिहाजा जानकारी छिपाने वाले पैथोलॉजी ऑपरेटर्स को अब नोटिस जारी करने की तैयारी है। वहीं मलेरिया अधिकारी ने बताया कि डेंगू के केसेस में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम के साथ मिलकर डीजल और मैथलियान का छिड़काव कराया जा रहा है। अब तक 635 लीटर छिड़काव कराया जा चुका है। डेंगू पेशेंट की संख्या बढ़ने के साथ जागरूकता अभियान भी जारी है। जिला अस्पताल में बनाए गए डेंगू वार्ड में जो भी मरीज एडमिट किए जा रहे हैं वे 3 से 4 दिन में स्वस्थ होकर चले जा रहे हैं, लेकिन जो केसेस मिल रहे हैं वह गंभीर विषय है। इसके लिए बचाव जरूरी है।